एवरीवन, दिस इज गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टेरा के फ्लावर के बारे में। तो वैसे ये बहुत ही रेयर फ्लावरिंग होता है, आप यूजुअली मॉन्स्टेरा में फ्लावर नहीं देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े पत्ते आने के बाद ही मॉन्स्टेरा में ब्लूमिंग होती है। तो ये इसका फ्लावर है, ये देखिए, ये अनओपन्ड है, ये ऐसा दिखता है, अनओपन फ्लावर। एंड देन ये इसका फ्रूट है, जब ये पक जाता है तो इसके स्केल्स उतर जाते हैं, बहुत ही अलग दिखता है ये फ्रूट। एंड देन ये इसका कंप्लीट खिला हुआ फ्लावर है, और आप इसमें यहाँ पोलन्स भी देख सकते हैं, दिस इज़ द पोलन्स राइट। तो इसमें बहुत सारे पोलन्स झड़े हुए हैं, यहाँ पे आप पास से देखेंगे तो आपको दिखेंगे पोलन्स। ये सब जो वाइट वाइट चिपके हुए हैं पूरे पोलन्स हैं, ये इसका टोमेटो इसमें जो होता है वैसा शेप दिख रहा है। तो ये है मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा, और देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां आई हैं, और ये काफ़ी एजेड प्लांट भी दिख रहा है जिसके बाद इसमें फ्लावर आया है। मॉन्स्टेरा का फ्रूट काफ़ी टेस्टी होता है, हल्का सा बेरी जैसा टेस्ट होता है, हल्का सा बनाना जैसा, और हल्का सा पाइनएप्पल जैसा टेस्ट भी इसमें होता है। और ये देखिए, इसका आप जो तना है वो देख सकते हैं, वैसे तो ये क्वाइन की तरह चढ़ता है, और ये भी थोड़ा सा इपीफाइट टाइप का होता है। तो इसकी जो ये रूट्स होती हैं ये फैलती जाती हैं, दूसरे पेड़ों पर चढ़ती हैं, और समटाइम्स की ये ज़मीन पर भी चिपका हुआ होता है, इसी से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये है मेरी छोटी सी वीडियो ऑन द मॉन्स्टेरा। ये इसकी लीव देखिए, सब लोग बोलते हैं मॉन्स्टेरा इंडोर प्लांट है, और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइट में ये थ्राइव हो रहा है। तो इन्हें फिल्टर्ड लाइट बहुत अच्छी लगती है, इन्हें डायरेक्ट सन लाइट अच्छी नहीं लगती क्योंकि इससे लीव बर्न हो जाते हैं। तो फिल्टर लाइट में ये क्वाइट अच्छा ग्रो करते हैं, और अगर इनको फिल्टर्ड लाइट मिले तो इसमें आप इनकी पत्तियों में एक अलग ही शाइन देख सकते हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है तो वो रॉटन मटेरियल से मिलना चाहिए, क्योंकि नेचुरल रेन फॉरेस्ट में ये रॉटन मटेरियल से ही न्यूट्रिशन निकालते हैं। तो समटाइम्स जब हम इन्हें केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो भी लीव बर्न की प्रॉब्लम आती है। तेज़ धूप में इनके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होने के कारण ज़्यादा धूप नहीं सह सकते, तो फिल्टर्ड लाइट इनके लिए बेस्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं फिल्टर्ड लाइट आ रही है, और इसी पे ये थ्राइव कर रहे हैं। इन्हें ह्यूमिडिटी भी बहुत पसंद होती है, इस कारण अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो लगातार ह्यूमिडिटी बन रही है, इसी कारण ये वाला मॉन्स्टर है यहाँ थ्राइव कर रहा है, और यहाँ फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।